नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 350 ट्रेनें रद्द, वहीं 20 जिलों में ठप है इंटरनेट सेवा। भारत बंद का असर रहा बेअसर। रग्बी के जूनियर नेशनल कप में बिहार बना डबल चैंपियन। इस बार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो खैर नहीं, धोनी कोहली की तरह पंत भी इतिहास रचने से चूके। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 350 ट्रेनें रद्द, वहीं 20 जिलों में ठप है इंटरनेट सेवा। अग्निपथ स्कीम को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। पुलिस प्रशासन की सूझबूझ और अलर्ट होने की वजह से आज ज्यादा दंगे नहीं भड़के। हालांकि बिहार को आने वाली और बिहार से जाने वाली लगभग 350 ट्रेनों को नियंत्रित किया गया है। वहीं कुल 20 जिलों में इंटरनेट सुविधा ठप कर दी गई है। मालूम हो कि अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। बिहार में एहतियातन 20 जिलों में इंटरनेट सेवा आज बंद है और 350 ट्रेनें भी रद्द है। रविवार को भी 362 ट्रेनें निरस्त रही थी। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं बीते 5 दिनों से राज्य के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारत बंद का असर बेअसर दिखा। पिछले 5 दिनों से चल रहे हंगामे का आज छठा दिन है। आंदोलनकर्ताओं ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जो कि बेअसर रहा। राजधानी पटना की बात करें तो यहां के चप्पे चप्पे पर विशेष सुरक्षा बल तैनात दिखे। आपको बता दें कि इस भारत बंद को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी थी या फिर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आह्वान तक नहीं किया था। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी। कुछ छात्र संगठनों ने 20 जून के चक्का जाम का समर्थन किया है, जिसमें आईसा और RYA शामिल है। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार आ रही खबर को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आंधी बारिश को लेकर जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। उत्तर बिहार का मौसम पूरी तरह से सुहाना बना हुआ है। वहीं लोग बारिश का आनंद भी ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार के कुछ जिले अभी भी बारिश से तृप्त नहीं हुए। चंद मिनटों की बारिश फिर तपिश वाली सूरज की किरणों ने पटनावासियों को परेशान कर दिया है। हालांकि बीते दिन बिहार के अधिकतर जिले में आंधी बारिश देखी गई। वहीं मौसम विभाग की माने तो राज्य के अधिकतर जिलों में आंधी और बारिश के बीच वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में एक या दो स्थानों पर मध्यम वज्रपात के साथ ही मेघ गर्जन की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रग्बी के जूनियर नेशनल कप में बिहार बना डबल चैंपियन। एक बार फिर से बिहार के बेटे और बेटियों ने अपने राज्य बिहार का नाम रोशन किया है। जी हां, रग्बी के जूनियर नेशनल कप में बिहार डबल चैंपियन बनकर उभरा है। मेजबान बिहार ने 2022 जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप में जूनियर गर्ल्स और जूनियर बॉयज दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। फाइनल में बिहार की लड़कियों ने ओडिशा की टीम को 24-7 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं बिहार जूनियर लड़कों की टीम ने राजस्थान को 17-5 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस खेल की मेजबानी बिहार ने ही की है और इस खेल का आयोजन पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इस बार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो खैर नहीं, अग्निपथ स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को झेलना पड़ा है। आंदोलनकर्ता कभी बिहार बंद तो कभी भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश में नुकसान पर नुकसान किए जा रहे हैं। इस बीच ना जाने कितने ट्रेनें जला दी गई हैं। इसको देखते हुए आज भारत बंद होने के दौरान विशेष सुरक्षा बल तैनात किए गए। अगर आज किसी ने ट्रेन जलाने की कोशिश की या फिर किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो खैर नहीं होगी। इसको लेकर आज RPF और GRP हाई अलर्ट पर है। RPF के सीनियर ऑफिसर्स ने हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहरों में होने वाले हंगामे को रोकने के लिए फोर्स को तैनात किया गया है। पीड़ित परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि। एक तरफ जहां गर्मी से परेशान बिहारवासी मॉनसून की आस लगाए बैठे थे कि गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं मॉनसून आने के बाद ये जान का काल ही बन गई है। आंधी पानी और वज्रपात के कारण बिहार में 17 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। इसमें रविवार को 6 तो शनिवार की रात आंधी और वज्रपात से सूबे में 11 लोगों की जान चली गई, जहां भागलपुर में 3, बांका में 2, मुंगेर में 1 की जान चली गई। वहीं शनिवार की रात भागलपुर में 3, वैशाली में 3, खगड़िया में 2, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में 1-1 व्यक्तियों की जान चली गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 व्यक्तियों की जान जाने पर शोक प्रकट किया और इन सभी जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि प्रदान करने की घोषणा की है। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई चिंता। मॉनसून की बेसब्री से इंतजार के बाद जब राज्य भर में मॉनसून ने मजबूती बनाई तो दूसरी तरफ बढ़ते नदियों का जलस्तर, इसने लोगों को निराश कर दिया है। कई नदियां उफान पर है।
कोसी बागमती और महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि के चलते बिहार के कई जिलों में बाढ़ की दहशत एक बार फिर बढ़ गई है। पानी गांव में घुसने लगा है। ताजा कुछ इलाकों में लोग गांव का घर छोड़कर बांधों पर शरण लेने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी की बात करें तो रविवार को सुबह 6 बजे कोसी बराज पर 1,22,655 क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम 4 बजे 1,21,860 क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। पटना हाईकोर्ट को मिला एक और नया जज। जजों की किल्लत झेल रही पटना हाईकोर्ट को एक और जज मिल जाएगा। आज यानी 20 जून 2022 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के स्थानांतरित जज जस्टिस एहसा उद्दीन अमानुल्लाह ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ लिया है। शताब्दी भवन के लॉबी में संजय करोल ने उन्हें चीफ जस्टिस के पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इसके साथ ही उन्हें उनके पटना हाईकोर्ट में योगदान देने के बाद चीफ जस्टिस समेत जजों की संख्या 37 हो गई है। जस्टिस अमानुल्लाह इससे पूर्व भी पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में पहले भी कार्यरत थे। फ्लैट रेट से बिजली कंपनियां करेंगी पैसे की वसूली। बिहार में बिजली उपभोक्ता के लिए अहम खबर है। राज्य में अब बिजली उपभोक्ताओं को अलग अलग स्लैब के मुताबिक कीमतों का भुगतान नहीं करना होगा, बल्कि अब आपको फ्लैट रेट के जरिए ही बिजली कंपनियां पैसे की वसूली करेगी। इस योजना पर काम किया जा रहा है। बिहार में आने वाले वक्त में बिजली दर एक समान यानी कि फ्लैट रेट पर होगी। प्रीपेड बिजली स्मार्ट मीटर लगा रही कंपनी ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। राज्य के सभी उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद कंपनी इस योजना को कार्य में लाने वाली है। आपको ये भी बताते चले कि एक समान बिजली दर लागू होने में अभी वक्त लगेगा और तब इसकी दरें भी तय होगी, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक एक समान बिजली दर होने पर कम बिजली खपत करने वालों को नुकसान हो सकता है। आंदोलन भड़काने में कोचिंग संस्थानों की भी पाई गई संलिप्तता। आरआरबी एनटीपीसी में जिस तरह से शिक्षकों के शह पर छात्रों ने आंदोलन किया था, ठीक उसी प्रकार सरकार को संदेह था कि कहीं ना कहीं स्कीम को लेकर भी आंदोलन भड़काने में कोचिंग संस्थानों का ही हाथ है। इसको लेकर सरकार ने व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर नजर रखना शुरू कर दिया। इस बीच करीब 30 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन भी किया गया। खबर यह भी है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रव के पीछे कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता है। पटना जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बीते दिन 4 कोचिंग संस्थानों और उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही सबूत मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल जमाव की समस्या से महज 15 मिनट में मिलेगा छुटकारा। मॉनसून महीने में जल जमाव को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर है। इसके लिए आपदा प्रबंधन ने राजधानी पटना में जल जमाव को लेकर एक विशेष कदम उठाया है। आपको बता दें कि मॉनसून के दौरान जल जमाव से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को एक्टिव कर दिया गया है। ये व्यवस्था अस्थायी है। पटना नगर निगम ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी है। शहर के किसी भी क्षेत्र में जल जमाव की शिकायत मिलने के 15 मिनट के भीतर क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचेगी और समस्या का समाधान करेगी। वहीं पटनावासी निगम के हेल्पलाइन नंबर 155304 पर कॉल करके जल जमाव की शिकायत कर सकते हैं। शहर के सभी 75 वार्डों में सितंबर तक 19 जोनल क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है, जो मॉनसून के दौरान 24 घंटे एक्टिवेट रहेगी। आरसीपी सिंह का छिन गया आवास। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को एक और झटका लगा है। एक तो आरसीपी सिंह को जदयू ने राज्यसभा के लिए टिकट नहीं दिया, इसके बाद रातों रात ही उनका बंगला भी खाली करवा दिया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय इस्पात मंत्री के पटना स्थित सरकारी आवास को बीती रात जबरन खाली करा दिया गया था। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री के नजदीकी सहयोगी आशीष रंजन ने दी। आशीष रंजन ने बताया कि बीती रात लगभग 12 बजे उनके बंगले को जबरन खाली करवाया गया। मालूम हो कि स्टैंड रोड में स्थित मंत्री का ये बंगला जदयू विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी के नाम से आवंटित था, जिसमें आरसीपी सिंह पिछले कई सालों से रह रहे थे, लेकिन पिछले दिनों राज्यसभा सदस्यता पद गंवाने के बाद उनका ये बंगला मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के नाम पर आवंटित कर दिया गया। देशभर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देशभर में कोरोना के नए मामलों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी कि सोमवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार देशभर में कोरोना के 12,781 नए मामले सामने आए हैं और 18 लोगों की जान गई है। नए केस में एक दिन पहले के मुकाबले मामूली कमी आई है। एक्टिव केसेस की संख्या 42,260 से बढ़कर 76,700 हो गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 4.32% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी की दर 2.62% है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या पिछले 24 घंटे में 8,537 रही है। धोनी कोहली की तरह पंत भी इतिहास रचने से चूके। रविवार की रात भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 5 टी20 मैच की सीरीज के निर्णायक मैच में सीरीज का अंत निराशाजनक रहा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीरीज का निर्णायक मैच बारिश की भेंट चढ़ा, जिसके बाद सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। आपको बता दें कि घरेलू सरजमी पर भारत की साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये तीसरी टी20 सीरीज थी और इस बार भी टीम इंडिया मेहमान टीम को हराने में कामयाब नहीं हुई। इन 3 सीरीज में से 2 सीरीज ड्रॉ रही, जबकि एक सीरीज 2015-16 में साउथ अफ्रीका ने जीती थी। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। वहीं 2019 में विराट कोहली की कप्तानी में खेली गई सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। वहीं इस बार सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही और पंत की अगुवाई में भी टीम इंडिया इतिहास रचने से चूक गई।
राजद ने जदयू को दिया भाजपा से नाता तोड़ने की सलाह। भाजपा नेताओं पर हुए हमले के बाद जदयू और भाजपा में तकरार देखने को मिल रही है। भाजपा ने जहां राज्य के नीतीश प्रशासन पर उचित समय में कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए थे, तो वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात कही थी। और इस बीच जदयू भाजपा के वाक युद्ध में राजद जदयू के समर्थन में उतर आई है। राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने आज कहा कि हम ललन सिंह के बयान का समर्थन करते हैं, भाजपा के संजय जायसवाल देश को खंडित करने वाला बयान देते हैं। वीरेंद्र भाई ने कहा कि भाजपा देश में आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है, जिसे कोई दल स्वीकार नहीं कर रहा है। जदयू भी एनडीए में रहकर घुटन महसूस कर रही है, इसलिए जदयू को पहले ही एनडीए से अलग हो जाना चाहिए था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नूनू कुमार, पप्पू कुमार, कुश कुमार यादव, अमर कुमार, शबनम कुमारी, कुलदीप कुमार, जुगेश कुमार, विकास सिंह, मोहम्मद अरमान। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, भारत बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज में आपके अनुसार किस टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।